हर हर महादेव दोस्तों, सियाली महादेव धर्मशाला मनाली में पूरे 2 दिन रुकने के बाद अब हम लोग जो हैं यहाँ से निकलने वाले हैं, मनाली को टाटा बाय बाय करने वाले हैं और हमारी अगली जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले जो हमारा सफ़र रहेगा वो मनाली से लेके कुल्लू, कुल्लू से लेके मंडी, मंडी से लेके बैजनाथ, पालमपुर, ये सारे के सारे एरियाज़ हम लोग जो हैं कवर करते हुए फिर जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर और जो बाकी का हिमाचल प्रदेश का एरिया बच जाएगा कुछ पार्ट हम लोग जो हैं वो साइकिल पर करेंगे, कुछ पार्ट हम लोग जो हैं वो पैदल करेंगे और कुछ पार्ट हम लोग जो हैं वो बाइक पे डोमिनार 400 पे कवर करेंगे। ये है मनाली की धर्मशाला जिसका नाम है सियाली महादेव और वो वहाँ पे ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये है सियाली महादेव। ये हमारा रूम है जो कि हमको अलॉट हुआ था और 2 दिन यहाँ पे रुकने के बाद अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। सामान हमने सारा का सारा पैक कर लिया हुआ है, हालांकि 3 बेड्स लगे हुए हैं बट मैं अकेला ही था तो पूरा रूम ही हमको अलॉट हो गया बिकॉज अभी जहाँ पे जो है यात्री कम थे। अभी तक जितनी भी धर्मशाला में हम लोग रुके हैं ना, ज़्यादातर ज्वाला माता हो गया, हरिद्वार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हर जगह पर कम से कम मिनिमम जो कॉस्ट रहती है वो 100 रुपीज़ रहती है बट यहाँ पर इस धर्मशाला में आपसे 50 रुपये लिए जाते हैं और अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो 40 रुपीज़ पर डे। साइकिल हमारी जो है हमने पहले ही हमारी पुष्पा को बाहर निकाल दिया हुआ है, सामान रखते हैं सारा इसके ऊपर और उसके बाद हमको ऊपर वाली तरफ जाना है मॉल रोड से जाते हुए क्योंकि जो पिछला वाला टायर है उसमें हवा थोड़ी सी कम है तो हवा भी भरवानी पड़ेगी। अंदर दुकान वाले अंकल जी कह रहे हैं कि ये वाली साइकिल क्यों रखी है, गियर वाली साइकिल रखते चढ़ाई बहुत ज़्यादा आएगी, तकलीफ होगी। तो मैंने कहा अंकल जो चढ़ाई का डर है ना वो तो हमारा ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि हम लोग लद्दाख के सबसे हाई पासेज जो है वो कवर करके आए हुए हैं। मॉल रोड के बिल्कुल साथ में साइकिल की एक शॉप है, एक मॉल रोड पे भी है और उस पर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। ये वाले साइकिल की जो शॉप है ना वो कहीं भी नहीं मिलती है, इसका काम भी कोई नहीं करता यहाँ पे बट हमें ज़्यादा काम है नहीं, हमें सिर्फ हवा भरनी है और दुकान वाले भैया पता नहीं कहाँ है तो कोई नहीं हवा ही भरनी है, भर लेते हैं। मनाली से कुल्लू का जो रोड डिस्टेंस है वो 40 to 45 किलोमीटर के बीच है पर हम लोग आज ऐसा लग रहा है कि शायद से कुल्लू ना पहुंच पाएं। वैसे तो मैंने दिन में निकलना था बट आज मेरी जो नींद है वो थोड़ी सी लेट खुली है, 10 बजे के करीब मैं उठा, उसके बाद नहाते धोते पूजा वगैरह करते खाना वगैरह खाते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 12 बज चुके थे और मनाली का जो मौसम है वो पहले जैसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दोपहर के टाइम पर निकलना राइड करना साइकिल पर थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो मैंने ये सोचा थोड़ा सा छाँव होने देते हैं। तो 4 बजे के करीब हम लोग निकल रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, पतली कुल या फिर रायसन तक का डिस्टेंस होपफुली कवर हो पाए। वैसे तो नीचे की तरफ ढलान ही है बट रोड जो है ना बीच बीच में ऐसा वाला है, काफ़ी सारी जगहों से जो है वो टूटा हुआ है तो कभी कभी जाम भी मिल जाता है। अभी तक तो हम लोग 1-1.5 किलोमीटर आगे आ गए, हमको कोई जाम जैसा कुछ मिला नहीं है बट हो सकता है शाम जैसे में जो है समटाइम ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए जब मैं लास्ट टाइम अभी कुल्लू से लेके मनाली तक बाय बस आया हूँ तो मुझे 5-5.25 घंटे लग गए थे 40-45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए। ये कुल्लू मनाली का नेशनल हाईवे हुआ करता था जो कि 4-लेन हाईवे था, 2 लेन इस तरफ 2 लेन इस तरफ, जो कि इस वाली तरफ का तो पूरा का पूरा गायब ही है, 2 लेन ही बची हुई हैं और यहाँ पे तो 4 लेन पूरा का पूरा हाईवे जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये ना ऐसे वाले बहुत सारी जगह हैं बीच बीच में जो कि पूरे के पूरे पैच ही ख़त्म हो गए हैं तो वहाँ पे जो है ना ऐसा वाला टेम्परेरी रूट बनाए हुए हैं तो ऐसी वाली जगहों पर जो है बहुत बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। पर अभी मौसम जो है वो ठंडा ठंडा है और नीचे की तरफ ढलान ढलान ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हम कर लेंगे, कोशिश करेंगे कुल्लू तक पहुँच जाएँ, रात हो जाएगी फिर भी देखते हैं कितना सफ़र कवर हो पाता है वो चलते हुए डिसाइड करते हैं, अब निकल तो गए ही हुए हैं। जाम तो आज इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और ढलान ही ढलान आ रही है, काफ़ी सारी जगहों पे जो पैचेस टूटे हुए थे ना जो टेम्परेरी रूट बनाया हुआ है वो ठीक है, चलने लायक है, उसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है तो हमारा 15 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। ऐसे वाली नीचे को ढलान है जिसमें बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा है और इसी तरीके से अगर रोड कंडीशन रही पूरी तो मुझे लग रहा है अंधेरा होने से पहले 7-7:15 तक हम लोग जो हैं वो कुल्लू में भी पहुँच ही जाएंगे। अपर हिमाचल से लोअर हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ज़्यादातर मैक्सिमम जो रूट रहेगा ना वो या तो ढलान होगी या तो लेवल होगा, चढ़ाई बहुत कम कम दिखेगी, हालांकि बिजली महादेव जाते हुए थोड़ी सी चढ़ाई आएगी हमको और मंडी से जोगिंदर नगर तक बाकी जितना भी रास्ता है ना सब लेवल है या फिर ढलान है, थोड़ा थोड़ा आता है बीच में बैजनाथ हो गया, पालमपुर हो गया, हल्की फुल्की जो चढ़ाई है वो आती रहती है, उतना तो वेरिएबल है हमको, वैसे भी यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। और एक और जगह आ गई है यहाँ पे की रोड टूटा हुआ है। जिस बात का डर था कि यहाँ हमको कुल्लू पहुँचने में देरी हो जाएगी वो यही थी, ये देखिए वापस से ट्रैफिक जाम लग गया हुआ है क्योंकि सिंगल रास्ता है ना टूटने की वजह से, तो एक बार उस वाली तरफ से ट्रैफिक छोड़ा जाता है, एक बार इस वाली तरफ से ट्रैफिक छोड़ा जाता है, समटाइम्स बहुत ही लंबा लंबा जाम लग जाता है।
20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया है और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो और बचा हुआ है। इस समय हम लोग जहाँ पे हैं वो है पतली कुल, और यहाँ पे एक और साइन बोर्ड मैंने देखा वो था कि पठानकोट है यहाँ से 300 किलोमीटर, दैट मीन्स हमारा जो घर है वो 360 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अगर हम लोग आजू बाजू ना जाएँ, बाकी जो जगहें हैं वो एक्सप्लोर ना करें, तो हम लोग 8 दिनों के अंदर जो है 8 मैक्स 8 दिन लेके चल रहे हैं, 8 दिनों के अंदर हम लोग जो है हमारे घर पे हो सकते हैं। पर घर जाने की हमको अभी कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी हफ्ता पहले ही घर से होके आए हैं, और अब जिस एरिया में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वो सारा एरिया जो है घर से बहुत ज़्यादा नियर बाय है, 2-3 घंटे का डिस्टेंस है। जहाँ कहीं भी होंगे, अगर कोई भी अर्जेंट कोई काम पड़ता है तो सीधा बस में बैठे साइकिल वहीं पे पार्क किया और सीधा घर होके आ गए। रूट मैप तो हमने फाइनल किया हुआ है कि हमको किस वाले रास्ते से जाना है, पर बीच बीच में ना और भी थॉट्स आ रहे हैं। एक चीज़ फॉर श्योर है, एक चीज़ कन्फर्म है कि हमने रहना जो है अब एक लंबे अरसे तक, एक लंबे वक्त तक वो हिमाचल प्रदेश में ही है। पर ऐसा हो सकता है कि आज मैं आपको जो है वो चिंतपूर्णी माता में दिखूं और अगले ही दिन का जो ब्लॉग आएगा वो आपको सीधा तुंगनाथ महादेव का आ जाए। उस हिसाब से कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो मैनेज करेंगे। अकेले जब आप सफ़र करते हो ना तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, कभी ऊपर नीचे अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। तो एक आ रहा है कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं हिमाचल प्रदेश में वो एक्सप्लोर करते हैं, एक आ रहा है कि जितने भी महादेव के मंदिर हैं, जितने भी महादेव के शिवलिंगाज हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, एक आ रहा है कि क्यों ना हिडन प्लेसेस जो हैं, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस जो हैं वहाँ पे जाएं, और एक आ रहा है कि क्यों ना नौ देवी जो यात्रा है हिमाचल प्रदेश में वो कर ली जाए। पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, इतना पता नहीं। बस दो चीज़ें पता है, एक पता है कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश में रहना है, दूसरी चीज़ ये पता है कि कल जो है हमने बिजली महादेव जाना है। उसके बाद देख लेंगे आगे का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिस तरफ मन करेगा उस तरफ मुड़ जाएंगे। अभी पीछे आप मेरे देख सकते हैं ये एप्पल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो इनको देख के जो है वो भूख लगी है। आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करते हैं। ये बाइक वाले भैया ना, ये अभी अभी मुड़ के आए और ये मुझे पहचानते हैं। पहचानते कैसे हैं कि जिस दिन मैंने साइकिल ली थी ना फर्स्ट डे, तो उस जगह पे ये खड़े थे, इनकी शॉप है वहाँ पे पास में, तो इन्होंने देखते ही पहचान लिया। अभी भी मैं ब्लॉगिंग ही कर रहा था और उस दिन भी मैं ब्लॉगिंग ही कर रहा था, वो फर्स्ट डे था हमारा, हमारी साइकिल पे, हमारी पुष्पा पे। अच्छा लगता है यार, बोल रहे हैं पूरे 2 महीने हो गए हमने आपके ब्लॉग देखे, लद्दाख आप कर आए हो। साइकिल का पूछ रहे थे कि साइकिल कैसा है, साइकिल ने साथ दिया। मैंने कहा साइकिल ने तो पूरा साथ दिया, बस ये जो घंटी है ये ख़राब हो गई है, तो अभी वापस जाएंगे, न्यू घंटी डलवाएंगे उसी दुकान से। अभी तो वो दुकान वाले भैया के पास जाके ये भी बताना है कि आपने ये जो साइकिल दी थी ये लेजेंड साइकिल है, लेजेंडरी हीरो शहनशाह बन चुकी है, दुनिया की पहली देसी नॉन गियर साइकिल जो कि उमलिंगला पास, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास कवर करके आई है। मंडी मनाली हाईवे का ये टोल प्लाजा आ गया है धोलू नाला वाला रायसन में, और आप देखिए जब से रोड्स टूटे हुए हैं ना तब से ये वाला जो टोल प्लाजा है ये क्लोज है, यहाँ पे बिल्कुल भी टोल नहीं लिया जाता, क्योंकि आगे जो रोड है वो ही टूटा हुआ है तो टोल क्या लेना। एक बहुत ही बेसिक सी बात है ना कि अगर रोड ढंग का नहीं है, रोड नहीं लिया गया है, तो टोल किस बात का। अब आप देखिए कि JNK की बात कर लेते हैं, ठीक है, हमारे जम्मू रीजन में ना एक टोल प्लाजा है, जब से वो ओपन हुआ है ना तब से उसको लेके डिस्प्यूट चल रहे हैं। एक तो जो सरकार के कुछ नियम थे ना कि 60-60 किलोमीटर के बाद जो है टोल होंगे, वैसे वो यहाँ पे भी लागू नहीं होते, हिमाचल यहाँ पे भी 60 के बीच में दो आ जाते हैं, वो वाला चलो है नहीं है, बट एटलीस्ट ढंग का रोड तो होना चाहिए। अब देखियो बन वाला टोल प्लाजा है, लखनपुर वाला टोल प्लाजा है, अमृतसर जाते हुए जो टोल प्लाजा आता है, अभी बन तालाब वाला जो टोल प्लाजा है वो भी ओपन हुआ है, वहाँ पे लोगों ने कभी भी किसी ने अपोज नहीं किया, सिर्फ सरोड टोल प्लाजा को लेके ही हमेशा लोग अपोज क्यों करते हैं। भाई साहब 100 किलोमीटर का रोड जो है पूरे के पूरे रोड पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, 100 किलोमीटर कवर करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं, पुल जो है नेशनल हाईवे का ब्रिज तक टूटा हुआ है और लेना इनको टोल है। एक बार फिर जो है वो लंबा वाला जाम लग गया हुआ है। इस ट्रैफिक जैम का ना एक रीज़न और भी होता है जो शाम को ही लगता है, क्योंकि शाम को ना 7 से 8 बजे के बाद ना जो पुलिस वाले रहते हैं ना, जितनी जगहों पे भी पुल टूटा हुआ है ना दोनों तरफ जो है पुलिस वाले रहते हैं, तो वो बारी बारी अलो करते हैं, बट इस टाइम पे सब चले जाते हैं, और जनता आपको पता है जनता तो मानती नहीं है एक दूसरे को। पहुंच गए हैं दोस्तों हम कुल्लू में, और इस समय हम लोग हैं कुल्लू का जो बस स्टैंड है, 2 बस स्टैंड है कुल्लू में, जो नया वाला स्मार्ट वाला बस स्टैंड है वहाँ पे बैठे हुए हैं, और बॉडी आज जो है ना बिल्कुल भी नहीं थकी हुई। आप देखिए ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ही नहीं है,
थकान ही थकान होती है। वो लद्दाख वाला टाइम तो है नहीं कि हाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और 40 किलोमीटर था जिसमें से 20 किलोमीटर जो है वो ढलान ढलान ही आया, आराम से हम लोग पैडल करते आए पूरे रास्ते, बस बीच में दो तीन जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा रोड डैमेज था, वहीं पे उतरे हुए हैं। तो अभी हम लोग कुल्लू पहुँच चुके हैं, कल सुबह हम लोग जो है यहाँ से बिजली महादेव के लिए जाएंगे। कल हम जो है वो साइकिल लेके नहीं जा रहे, यहाँ से हम लोग जो है बस पकड़ेंगे। अभी मैंने इंक्वायरी काउंटर पर जाके पता किया है, वहाँ पर उन्होंने बताया कि सुबह 9:40 पर जो पहली बस है बिजली महादेव के लिए वो जाती है। तो सामान हम लोग जो है वो यहाँ पे रखेंगे, ये सामने क्लॉक रूम है, यहीं पे अंदर साइकिल भी रख देंगे, यहीं पे अंदर जो है वो सामान भी रख देंगे। और ये सामने यहाँ पे जो है वो कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में जो है ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको जो है 60 रुपीज़ में मिलता है। और खाना मैंने दो तीन बार यहाँ पे पहले भी खाया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना है। तो बस खाना वगैरह खाएंगे और फिर जो है यहीं कहीं पे हमारा रात्रि विश्राम का कोई जगह ढूंढते हैं। तो अब आपसे जो है कल के ब्लॉग में मिलेंगे सीधा, वो भी बिजली महादेव के साथ। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।